हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर बार की तरह इस बार भी हम पहाड़ों से कुछ सब्जियां लेके आए हैं। ये है रायो शाग। बेसिकली ये एक टाइप का मस्टर्ड लीव्स है जिसके पत्ते बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ज़्यादातर ये साग पहाड़ी एरिया यानी कि जहाँ थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है उस एरिया में पाई जाती है। तो आज हम रायो शाग की भाजी बनाने वाले हैं। इन पत्तों को हमने अच्छे से धो के दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक का हम आज भाजी बनाएंगे और जो पिछला वाला हिस्सा है उसका हम बाद में सब्जी बना लेंगे। यहाँ पर हमने साग को छोटे छोटे काट लिए हैं और साथ ही में एक पहाड़ी छोटा सा रेड आलू को भी टुकड़ों में काट लिए हैं। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। तेल हल्का सा गर्म होने के बाद हमने यहाँ तड़के के लिए मिक्स स्पाइसेस यूज़ किया है। आप जीरा या सरसों कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में दो लाल मिर्च के छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। जब इसमें से एक अच्छा सा खुशबू आने लगे तब हम इसमें साग और आलू को ऐड कर देंगे। अभी इसमें हम नमक और हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद इसका कवर निकाल के एक बार चेक कर लेंगे। देख सकते हैं इसमें से अच्छा खासा पानी निकल आया है। पानी सूखने तक इसे हम ऐसे ही पका लेंगे। अब देख सकते हैं इसका पानी करीब सूख चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल डाल के इसको और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। बाद हमारा साग बनके बिल्कुल रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म चावल, रोटी या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं।